हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस। ठीक, इसका एक कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले स्टार्ट करें, उससे पहले हल्का सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, CSIR नेट में दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टैटिक्स वालों का और एक मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है। ठीक, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स, ये दोनों पोर्शन आपको अटेंड करने होते हैं। अदरवाइज जो दूसरी कैटेगरी में आता है स्टैटिक्स, है ना, पेपर कंबाइंड बन के आता है, तो स्टैटिक्स के बारे में तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम उन बच्चों के लिए कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लीनियर एल्जेब्रा से स्टार्ट करेंगे। लीनियर एल्जेब्रा जब पूरा हो जाएगा तब रियल एनालिसिस, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद मॉडर्न एल्जेब्रा, उसके बाद ODPD, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और उसी के साथ इंटीग्रल इक्वेशन भी आता है, और फिर उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च और नंबर थ्योरी, इतना आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर इतनी चीज़ें आपने कवर कर ली तो आपका नेट क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, क्योंकि अगर आप केवल एक ही ब्रांच को देखेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है। आपने लीनियर एल्जेब्रा रियल एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और आप ये होप करो कि ये आपको दोनों ऐड करो तो 115 हो रहा है। ठीक, 115 नंबर में तो आपके पास GRF क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक, यानी कि लीनियर और रियल से ही आप GRF क्वालिफाई कर जाएंगे, ये सोचना थोड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट बन पाएंगे ये पॉसिबल नहीं होते। ठीक, जब आपको नया क्वेश्चन दिखता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए करके। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर करें, क्योंकि उसमें से जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, है ना, जिनका लेवल एवरेज होता है, अगर वही क्वेश्चन भी आप इनसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका GRF क्वालिफाई हो जाता है। ठीक, वैसे 100 के अराउंड कट ऑफ जाता है नेट का, GRF 110 मान के चलिए। ठीक, तो आज हम इस दिशा में स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स, कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के लिए। प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स इसमें बताई जाएगी, और स्टैटिक्स वाला पोर्शन तो दूसरे वाले जो बच्चे होते हैं उनका होता है, जो प्योरली स्टैटिक्स वाले पोर्शन से पढ़ते हैं। ठीक, वो पोर्शन आप नहीं पढ़ेंगे, आपने इतनी चीज़ें कवर करनी है। ठीक, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ही कवर करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ऊपर से मॉडर्न अलजेब्रा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि एक साल के अंदर, ठीक, कम से कम एक साल तो लगेगा, एक साल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कवर करके प्रोवाइड करवा दें। इसके साथ साथ जो असाइनमेंट होते हैं, ठीक, अच्छी अच्छी कोचिंग के असाइनमेंट, वो भी अगर PDF फॉर्मेट में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसको भी हम डाउनलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक, तो फिलहाल हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, कितना मार्क्स कहाँ से आता है। देखो, लीनियर अलजेब्रा के लिए CSIR ने 55 मार्क्स फिक्स कर रखे हैं, इसके अराउंड आएगा, कभी 50 का भी आ सकता है, कभी 60 का भी आ सकता है, एवरेजन आपके पास 55 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा फिक्स कर रखा है। रियल एनालिसिस सबसे ज़्यादा 60 मार्क्स, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा भी होता है, इसके सारे क्वेश्चन बन जाएँ ऐसा कम ही पॉसिबल होता है। ठीक, यानी कि 60 में से आप 30 मार्क्स का भी बना लो तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 मार्क्स, ये थोड़ा ठीक रहता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, एक आध क्वेश्चन जरूर टेढ़े मेढ़े आएंगे, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वैसे जो भी क्वेश्चन आते हैं बन जाते हैं इजीली। मॉडर्न अलजेब्रा के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ये हर एक साल वेरी करके देते हैं क्वेश्चन। ठीक, किसी साल बनने लायक क्वेश्चन आते भी हैं, किसी साल काफ़ी हाई लेवल का भी दे देते हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन बनते हैं, अदर नहीं बनते, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स में से ये मान के चलिए कि 12-13 नंबर तो आप यहाँ से ला ही जाते हैं, ठीक, एवरेज पढ़ाई करके भी। फिर आपके पास आता है ODPD, इंटीग्रल इक्वेशन, ये सब आपके पास, इनके लिए 40-45 मार्क्स फिक्स कर रखा है, जिसमें से प्योर इंटीग्रल इक्वेशन का 5 मार्क्स, ठीक,
और PD OD इनसे भी दो दो नंबर के सेक्शन बी सेक्शन सी में आपको दिख जाते हैं दो दो क्वेश्चन इनके भी, ठीक। और उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें आपको LPP वगैरह वगैरह पढ़नी होती है, ठीक, जो आपने 12th क्लास में भी किया होगा LPP वगैरह, ठीक, BSC में तो चलता ही है। और नंबर थ्योरी, ठीक, नंबर थ्योरी भी 5 to 10 मार्क्स एक आध क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, लेकिन वो तो लास्ट की बात है। सबसे पहले हमारा मेन फोकस रहेगा इन तीनों पे, लीनियर एलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जिस स्टूडेंट ने इन तीनों पर अपनी पकड़ बना ली, ठीक, ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, तो यहाँ से वो प्रबल दावेदार हो जाएगा नेट क्रैक करने के लिए, ठीक। तो ये तो था आपका सिलेबस डिस्कशन। अब हम थोड़ा सा पेपर किस रूप में आता है सेक्शन वाइज आपको बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा पेपर का स्वरूप डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार का पेपर सेट किया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन सेक्शंस में पेपर डिवाइड रहता है, जिसमें सेक्शन ए रीजनिंग का पोर्शन आता है, सेक्शन ए में रीजनिंग का पोर्शन आता है, जिसमें आपको 20 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई भी 15 आपको अटेम्प्ट करना होता है, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है इस सेक्शन में 1/4। कहने का मीनिंग 2 का 1/4 करोगे तो हाफ नंबर, ठीक, 2 का 1/4 मीन्स हाफ मार्क्स आपका अगर रॉन्ग होगा तो काट दिया जाएगा, हाफ मीन्स 0.5, ठीक, यानी कि अगर सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत होने पर 0.5 मार्क्स काट दिया जाएगा। उसी प्रकार से सेक्शन बी, ये प्योर मैथ्स का पोर्शन होता है, बी और सी आपके पास प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, ठीक, ये तो आपका रीजनिंग का पोर्शन था जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, आप खुद इसकी तैयारी कर सकते हैं, वैसे भी इतना हाई स्टैंडर्ड का नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है ना, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से अच्छे से 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ, ठीक, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक, मैं तो कभी इसकी तैयारी की नहीं, फिर भी एवरेजन 10 क्वेश्चन बन जाते हैं सेक्शन ए से, एवरेजन 10 क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग की, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रीजनिंग कैसी है, ठीक। फिर देखिए सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये होता है प्योर मैथमेटिक्स, जिसके लिए आपने तैयारी करनी होती है। सेक्शन बी 25-40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से आपको 25 अटेम्प्ट करना है, और ईच क्वेश्चन सही कर दिया तो 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर गलत किया तो 3 का 1/4 काट दिया जाएगा, ठीक, 3 का 1/4 पोर्शन, 3/4, ठीक, यानी कि अगर 0.75 है ना, 0.75 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा अगर रॉन्ग आंसर किया तो इस सेक्शन में, ठीक। आपको लग रहा होगा 40 में से 25 ही करने हैं, लेकिन उसमें स्टैटिक का भी पोर्शन है, ठीक, इसलिए 40 दिख रहे हैं, ठीक, इसमें से करीबन आपको 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक, 15-16 क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे उसमें, ठीक, तो उसमें से आपने 25 क्वेश्चन करने। उसके बाद सेक्शन सी की बारी आती है, ठीक, यहाँ ईच मार्क्स, अगर आपने एक सही आंसर दे दिया सेक्शन सी में, सबसे ज़्यादा मार्क्स रखता है 4.75 मार्क्स, एक सही आंसर के लिए 4.75 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो नेगेटिव नहीं होगी मार्किंग, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक, सेक्शन सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये और केवल मैथमेटिकल साइंस में होता है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ठीक, इनमें सेक्शन सी में भी नेगेटिव होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सेक्शन सी दे रखा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसका भी एक रीजन है, उसका क्या रीजन है देखिए, उसका ये रीजन है कि इसमें मल्टी करेक्ट आपने सही करने होते हैं, मल्टी करेक्ट, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मल्टी करेक्ट होंगे, ठीक, कहने का मीनिंग जैसे आपको एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी x²-1=0, ठीक, यानी कि x की अगर वैल्यू निकालोगे ±1, अब जो उसके ऑप्शन होंगे, ठीक, वो पूछेगा आपसे, अब ये तो खाली नमूना, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, एक नमूना सेट कर रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन सेट होते हैं सेक्शन सी में, ठीक, तो ऑप्शन ए में वो दे देगा x की वैल्यू बताइएगा, ठीक, फिर अलग अलग ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक, एक ऑप्शन होगा 0,
बी ऑप्शन दे दिया मान लो -1, सी ऑप्शन उसने दे दिया 2 और डी ऑप्शन दे दिया उसने 1। ठीक, अब आपने इसके हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता तो इसके हिसाब से इसके दो आंसर थे +1 और -1, यानी कि इसमें भी टिक करना होता आपको, इसमें भी टिक करना। अगर दोनों में करेक्ट, दोनों में टिक कर दिया तब जाके आपका आंसर सही माना जाएगा, तब जाके 4.75 मार्क्स के आप हकदार बनते हैं। ठीक, यूं ही नेगेटिव मार्किंग नहीं हटा रखी है, इसमें मल्टी करेक्टर ऐड लग गए। ठीक, हो सकता है 4 के 4 ऑप्शन सही हो सकता है कोई 2 ऑप्शन सही, हो सकता है कोई 3 ऑप्शन सही, हो सकता है कोई 1 ऑप्शन सही। ठीक, यानी कि अगर तुमने पार्शली करेक्ट किया, ठीक, केवल आपने एक ऑप्शन को टिक कर दिया दूसरे को छोड़ दिया तो पूरा रॉन्ग माना जाएगा। ठीक, एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर 2 करेक्ट हैं तो 2 ही आपको टिक लगाने होंगे, तब जाके आपको प्योर मार्क्स मिलेंगे 4.75। ठीक, इसलिए रीजन था कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, क्योंकि मल्टी करेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, उसके अलावा बच्चे यहाँ देख के बहुत खुश होते हैं कि 60 में से 20 ही करने होते हैं, लेकिन वो स्टैटिक भी शामिल करते हैं। ठीक, उसमें से अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन स्टैटिक के शामिल होते हैं, तो आपके लिए तो 30 ही बच जाते हैं। ठीक, 30 में से आपने 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें क्वेश्चन का लेवल हाई होता है। ठीक, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल लगते हैं, ठीक, अलग अलग कॉन्सेप्ट लग के क्वेश्चन को मिक्स करके तैयार किया जाता है। ठीक, इसलिए इतना आसान भी नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक, जिसका सेक्शन सी अक्सर, अगर सेक्शन सी में 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, वैसे तो 20 करने होते हैं, अगर आपने 10 से 12 एकदम करेक्ट कर लिए तो आपका नेट क्रैक करने की प्रबल दावेदारी हो जाती है। ठीक, सेक्शन सी ही तय करता है कि किसका क्रैक होना है किसका नहीं। ठीक, इसमें क्योंकि क्वेश्चन ही इस रूप में सेट किए जाते हैं जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। ठीक, यानी एक ऑप्शन सही करने के लिए या एक ऑप्शन आपने हटाना है तो किसी अदर कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, है ना, इसको टिक करना है तो कोई अदर ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, इस ऑप्शन के लिए कोई अदर कॉन्सेप्ट, इसके लिए कोई अदर कॉन्सेप्ट, यानी कि चारों ऑप्शनों के लिए आपको अदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ता है। ठीक, इसीलिए थोड़ा सेक्शन सी टेढ़ा होता है, लेकिन अच्छी खासी अगर आप तैयारी करो तो कुछ क्वेश्चन तकरीबन 15 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं जो आप अपने फील्ड के होते हैं, है ना, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर का डिस्कशन करने के बाद लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लीनियर एलजेब्रा अगर कहें तो सबसे आसान पार्ट है CSIR नेट का। ठीक, इसमें अगर आप रियल एनालिसिस से कंपेयर करते हो तो उसका लगभग आधा सिलेबस होगा इसमें, और मार्क्स 55 है। ठीक, तो लीनियर एलजेब्रा पे सबसे पहले पकड़ बनानी जरूरी है। ठीक, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा जिसमें 55 मार्क्स आपके लिए ऑन एन एवरेजन रखे गए हैं। ठीक, अलग अलग सेक्शन बी सेक्शन सी में इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक, ये मान के चलो 3-4 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा ही आते हैं, 4-5 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 3 से 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में मिल जाते हैं, और लीनियर एलजेब्रा उतना टफ नहीं आता है। ठीक, आप अगर इसमें अपनी पकड़ अच्छी बनाओ तो लीनियर एलजेब्रा के क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लीनियर एलजेब्रा जो मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा। ठीक, मैट्रिक्स कोई लोग तो सीधे सीधे वेक्टर्स से भी स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, लेकिन हम मैट्रिक्स पहले पढ़ेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह में भी मैट्रिक्स का यूज होता है, इसलिए मैट्रिक्स पहले पढ़ते हैं। ठीक, मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे तब जाके जो आपके पास लीनियर एलजेब्रा होती है ना वेक्टर्स वाली, ठीक, डायमेंशन वगैरह, तो तब जाके वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स हेडिंग लगाइए, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो आप 12th से पढ़ते आ रहे हो। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किन्हीं भी नंबर्स या फंक्शंस का। ठीक, यानी कि अगर मैं आपको MN नंबर दे दूँ, आपको मैं MN नंबर दे दूँ और उनको M रोज और N कॉलम में सेट करने को कहूँ,
किस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, तो आपको एक मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि किस ऑर्डर की, m बाई n, जिसमें m रोज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हो उनको रोज, और जो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हो उनको कॉलम्स, ठीक। और ये m बाई n इसका क्या कहलाता है, साइज, m बाई n इस मैट्रिक्स का साइज कहलाता है, ठीक। कुछ लोग इसको ऑर्डर भी कहते हैं, कुछ लोग ऑर्डर भी कहते हैं, लेकिन देखो m बाई n है तो उसको साइज कहना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक। ऑर्डर का तो मीनिंग होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। मान लो m और n की वैल्यू सेम हो गई, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हो जिसमें रोज और कॉलम सेम सेम होते हैं, ठीक। n रोज तो कॉलम भी n ही होते हैं, तो इसको इसका ऑर्डर n बोला जाता है, n बाई n न कह के अगर आप n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया जाए तो ये ओबियस होगा कि उसमें रो भी n होंगे, कॉलम भी n होंगे, ठीक। तो इसलिए ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है, और उसमें n बाई n कहने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल n कहा जाता है, ठीक। तो ऑर्डर और साइज में माइनर सा डिफरेंस ये है कि आप जनरली किसी मैट्रिक्स को साइज कहते हैं, उसके जो भी रो इनटू कॉलम होता है, ठीक, m बाई n के फॉर्म में जो भी होगा उसको आप साइज कहें, मैट्रिक्स का साइज, ठीक। रो और कॉलम दोनों कहने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको आप साइज कहिए, जैसे 2x3 साइज की मैट्रिक्स है ना, 5x4 साइज की मैट्रिक्स है कहिए। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रही है तो आप ऑर्डर कहिए, उसमें रो और कॉलम दोनों कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपने एक कह दिया तो दूसरा ओबियस हो जाता है, ठीक। कहने का मीनिंग, अगर ये आपके पास 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप 4x4 साइज की मैट्रिक्स नहीं कहोगे, आप सीधे सीधे क्या कहोगे, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ये भी ओबियस होगा कि वो स्क्वायर है, 4 ऑर्डर कह रहे हो मीन्स 4x4 की होगी, ठीक, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कुछ ये बातें जो आपको आनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा जनरल एलिमेंट आप जानते हैं, ठीक। पहली बात तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है मैट्रिक्सेस को, ठीक, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम, ठीक, ये बेसिक सी जानकारी आपको होगी, ठीक। और अगर एक जनरल एलिमेंट ए आई जे से डिनोट किया जाता है, जैसे आपसे कहा जाए A15 कहा जाए, तो इसका मीनिंग हुआ कि फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम का मेंबर है, ठीक, यानी कि इन जनरल आपको ए आई जे कहा जाता है, जहां आई रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को डिनोट करता है, जे किसको डिनोट करता है, कॉलम, ठीक। तो एक जनरल एलिमेंट अगर आपने मैट्रिक्स का डिनोट करना है तो ए आई जे से डिनोट किया जाता है, जहां सफिक्स आई रो को और जे कॉलम को डिनोट करता है, ठीक। और अगर आप एक मैट्रिक्स को जनरल टर्म में लिखना है ए आई जे के फॉर्म में, मैट्रिक्स को जब आप ए आई जे के टर्म में लिखते हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो आप मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ठीक। अब देखो आई रो है, ये कहाँ तक वेरी कर सकता है, m तक, ठीक। तो आप i वेरी करवाओगे 1 से m तक, एंड j वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, ठीक। j कॉलम को डिनोट कर रहा है और कॉलम n तक वेरी कर सकता है, ठीक। ये तो बात हुई किसी मैट्रिक्स को आपने जनरल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। एक बात और, ठीक, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट aij जिस भी फील्ड से आएंगे, ठीक, तो उसी फील्ड की मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर फील्ड आप F लेते हो तो F फील्ड की मैट्रिक्स कहलाती है, F मैट्रिक्स कहते हैं उसको, ठीक। अगर aij फील्ड F से आ रहा है तो मैट्रिक्स A को F मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स A को F मैट्रिक्स कहा जाएगा। कहने का मीनिंग, आप फील्ड लीजिए, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, या फिर रैशनल नंबर, कुछ भी लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का नाम पड़ेगा, मैट्रिक्स का नाम पढ़ते रहेगा। जैसे अगर आप रियल नंबर लेते हैं, है ना, जो एलिमेंट हैं वो रियल फील्ड से लेते हैं, ठीक, ए आई जे बिलोंगिंग टू रियल, तब जो मैट्रिक्स है आपकी ये रियल मैट्रिक्स कहलाएगी, है ना। रियल फील्ड से अगर एलिमेंट आ रहे हैं तो रियल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रहे हैं आर के बदले अगर सी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स, तो जो मैट्रिक्स ए का नाम होगा वो क्या होगा,
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक, अगर Q से आए तो अगर आपका Aij जो एलिमेंट है वो रैशनल नंबर Q से आए तो मैट्रिक्स को कहा जाता है रैशनल मैट्रिक्स, रैशनल मैट्रिक्स, रैशनल मैट्रिक्स। ठीक, इस प्रकार से इरेशनल नंबर तो फील्ड नहीं बनाते हैं, इंटीजर नेचुरल होल वो तो फील्ड नहीं बनाते, तो मैट्रिक्स कभी भी किस पर लोगे, फील्ड पर। ठीक, फील्ड आप मॉडर्न एल्जेब्रा में पढ़ोगे। फिलहाल ये समझ लो कि अगर ए आई जे फील्ड एफ से होता है तो उसको हम एफ मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि आर से होगा तो आर मैट्रिक्स मीन्स रियल मैट्रिक्स, सी से होगा तो सी मैट्रिक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब कई बार क्या होता है कि आपको फील्ड नहीं दिया होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में आपको फील्ड नहीं दिया होता है, तो जो सबसे बड़ा फील्ड होता है कौन है, कॉम्प्लेक्स, इसको कंसीडर किया जाता है उस केस में। ठीक है ना, अगर आपको फील्ड नहीं दिया, अगर रियल मैट्रिक्स का तब तो ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है कह रहा है, इसका मीनिंग जो ए आई जे एलिमेंट आपने सेलेक्ट करना है कहाँ से सेलेक्ट करना है, सी से, यानी कि कॉम्प्लेक्स फील्ड से। ठीक, एक लाइन लिख भी लो, बाय डिफॉल्ट इफ फील्ड इज नॉट गिवन देन इट इज कंसीडर्ड कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक, एक लाइन आप लिख लो, इफ फील्ड इज नॉट गिवन देन इन मैट्रिक्स फील्ड इज कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक, अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए ए और ए आई जे के बारे में कुछ ना कहा जाए, ए आई जे कहाँ से आ रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप ए आई जे कहाँ से मानोगे, कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही सबसे बड़ा फील्ड होता है। ठीक, ये तो बेसिक सा डिस्कशन था मैट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको होपफुली आता ही होगा। ठीक, बात करते हैं कुछ टाइप्स, मैट्रिक्स की टाइप्स की, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेज, अगली हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज, ये भी आपने बखूबी किया है। ठीक, तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, या इसी को रो वेक्टर भी कहा जाएगा क्योंकि एक वेक्टर के फॉर्म में हम पढ़ते हैं इसको, रो वेक्टर, आगे चल के हम उसको रो मैट्रिक्स ना कह के रो वेक्टर के रूप में यूज करेंगे लीनियर एल्जेब्रा जब एक्चुअल स्टार्ट होगा। ये तो मैट्रिक्स लीनियर एल्जेब्रा का ही पोर्शन है। ठीक, लीनियर एल्जेब्रा बिना मैट्रिक्स के सॉल्व नहीं की जा सकती, आगे जो भी ऑपरेशन आप पढ़ेंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसलिए हम स्टार्ट भी मैट्रिक्स से ही कर रहे हैं। ठीक, बहुत से लोग पहले लीनियर एल्जेब्रा का पोर्शन करा के फिर मैट्रिक्स पढ़वाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का वहाँ यूज है इसलिए मैट्रिक्स पहले पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, आप जानते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल एक रो, जिसमें केवल एक रो और कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। ठीक, 1, 2, 3, 4, या आप चाहो तो इसको भी और बढ़ा सकते हो। ठीक, लेकिन कॉलम वाइज बढ़ा सकते हो। ठीक, रो इसमें एक ही होना चाहिए, जैसे इसका साइज है 1/4। ठीक, तो इसको आप रो वेक्टर या फिर रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा आएगा कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स, या इसको कॉलम वेक्टर कहेंगे। इसका भी अपना ही रुतबा है लीनियर अलजेब्रा के क्षेत्र में, कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर बहुत सुनने को मिलेगा आगे लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट पोर्शन में। ठीक, कॉलम वेक्टर, आप जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होती है, यानी कि इस रूप में रो कितने भी हो सकते हैं। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप से एलिमेंट आपने लिए सिर्फ एक कॉलम में। ठीक, इसका ऑर्डर बताइए 4/1, तो इसको कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो। अगला टाइप है जीरो मैट्रिक्स,
जीरो मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो, यानी कि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन सच दैट ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, यानी आई और जे की वैल्यू कुछ भी रख दो ए आई जे ने जीरो होना है, ए वन वन ए टू टू ए टू थ्री कुछ भी एलिमेंट जीरो आए तो उसको आप जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और इसको आप डार्क जीरो से डिनोट करते हैं, डार्क जीरो से। ठीक, ये है जीरो मैट्रिक्स। ठीक, फिर आती स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स जितना भी आप अध्ययन करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चलता है, जितना भी डिटर्मिनेंट बनाते हो या ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हो, ठीक, अधिकतर यूज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो इसका खास वैल्यू है लीनियर एलजेब्रा, यानी कि मैट्रिक्स की दुनिया में। अगला टाइप आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसमें रो और कॉलम सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अगर आप इसको डिनोट करें तो ए इक्वल टू ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, यहाँ दोनों इक्वल होंगे तो एन बाई एन लिखें, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अगर आई इक्वल टू जे रख दो, आई इज इक्वल टू जे रखें तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए आई आई, जो कि डायगनल का मेंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एक जनरल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक हम जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर ऐसे अप टू सोन, आप एक जे भी कंसीडर करें ए वन जे अप टू सोन। इसी प्रकार से दूसरी रो के एलिमेंट ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर ऐसे अगर जेथ कॉलम में जाएंगे तो ये आ जाएगा ए टू जे अप टू सो। इसी प्रकार थर्ड रो में जाइए ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर, अगर जेथ कॉलम में जाते हैं तो ये आ जाएगा ए थ्री जे, फिर अप टू सोन। ऐसे एक आयत रो ले लीजिए ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री, ठीक, इसी प्रकार से ए आई आई भी आया होगा कहीं। ठीक, चलिए हटाइए ए आई फोर अप टू सोन, जब इस कॉलम में पहुंचोगे ए आई जे, यानी कि कॉमन एलिमेंट आपको मिल गया आयत रो जेथ कॉलम का ए आई जे अप टू सोन। ठीक, ऐसे ही अप टू सोन आगे बढ़ाते रहो। ठीक, और ये ऑर्डर m बाई एन लिया है आप। ठीक, m कॉलम है और n रोज है। ठीक, ये आपके पास, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो n बाई एन लीजिए, n ऑर्डर का है। ठीक, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। ठीक, अब देखिए इसके जो डायगनल एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में है, ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री, है ना, ये एक स्क्वायर शेप में है। ठीक, आप जानते हो स्क्वायर में डायगनल, इसको कहा जाता है मेन डायगनल, एक डायगनल ये भी होता है लेकिन जो प्रिंसिपल डायगनल होता है इसको माना जाता है जो फर्स्ट एज से गुजरता है। ठीक, इसको आप प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल डायगनल के जो एलिमेंट है किस फॉर्म में है, ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए फोर फोर, ऐसे ही लास्ट में ए एन एन आया होगा, लास्ट में ए एन एन आया होगा। ठीक, यानी कि इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल। अगर इस डायगनल को कहना चाहते हो आप
तो ये आएगा नॉन प्रिंसिपल डायगनल, है ना, ये आएगा नॉन प्रिंसिपल डायगनल। ठीक, देखिए प्रिंसिपल डायगनल के जो एलिमेंट है किस फॉर्म में होंगे, ए आई आई, ए आई आई के फॉर्म में है, देखिए ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए एन एन। ठीक, फिर देखिए नॉन प्रिंसिपल डायगनल जो इस एंड से पास होगा, ठीक, जो इस एंड से आएगा उसको आप नॉन प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगनल। अगर लास्ट एनथ रो का अगर आप नंबर लिखो कितना आएगा, ए एन वन, अगर यहाँ का आपने लास्ट नंबर एन तक जाना है ना, ए वन एन आया होगा। ठीक, अगर सेकंड से यहाँ का जब एलिमेंट आपने लिखा होगा कितना आया होगा, यहाँ तो देखो टू एन आया होगा, उससे पहले ए टू एन माइनस वन आया होगा, कॉलम की जगह कितना आया होगा, एन माइनस वन। ठीक, यानी कि रो सेकंड एन माइनस वन अथ कॉलम। तो देखिए नॉन प्रिंसिपल डायगनल का जब भी एलिमेंट देखते हो आप, नॉन प्रिंसिपल का नॉन प्रिंसिपल जो डायगनल है उसके एलिमेंट देखो किस फॉर्म में है, वन एन, टू एन, टू एन माइनस वन। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखो एन वन, इनमें एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हैं आप, एक कॉमन चीज़ ये है, अगर रो और कॉलम दोनों को ऐड करो तो एन प्लस वन, यानी कि ऑर्डर से एक ज़्यादा आ रहा है सब, यानी कि रो और कॉलम को ऐड करो एन प्लस वन, एन प्लस वन, यहाँ भी जो भी मेंबर आया होगा एन प्लस वन, यानी इस नॉन प्रिंसिपल डायगनल में आपने जो भी एलिमेंट डाला होगा उनका रो नंबर और कॉलम नंबर का सम करेंगे तो एन प्लस वन आएगा। ठीक, ये भी एक नोट करने वाली बात है। ठीक, इसको हटा दें, प्रिंसिपल डायगनल तो आपको समझ में आ गया। ठीक, इसी प्रकार से नॉन प्रिंसिपल डायगनल की बात करते हैं, मिट गया ये ए थ्री वन। ठीक, अभी इसमें हमने बहुत सारी एनालिसिस करनी है, ठीक, क्योंकि जो भी आपने मैट्रिक्स पढ़नी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पढ़नी है। ठीक, इसलिए डिटेल एनालिसिस करना जरूरी है इसका। ठीक, तो इस वाले को आप नॉन प्रिंसिपल डायगनल कहोगे जो ये एलिमेंट शामिल करेगा। ठीक, अभी ये अच्छे से नहीं लिखा है यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा है डायगनल जैसा, लेकिन आप बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में लिखेंगे तो बिल्कुल एक डायगनल के फॉर्म में आएगा ये। ठीक, ये आपके पास एक डायगनल के फॉर्म में आएगा जिनका सम, ठीक है ना, जिनका सम कितना आ जाएगा। ठीक, अगर आप इक्वल डिस्टेंस में लिखोगे तो एक डायगनल ही दिखेगा ये। ठीक, उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो उनका रो नंबर और कॉलम नंबर का सम करोगे तो एन प्लस वन आएगा उसमें। ठीक, तो इसको कहा जाता है नॉन प्रिंसिपल डायगनल, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, नॉन प्रिंसिपल डायगनल। इसमें खासियत क्या होती है, एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, अगर रो को आप आई मानते हैं, ठीक है ना, यानी कि एन प्लस वन के फॉर्म में, उन दोनों का सम एन प्लस वन आना चाहिए, है ना। अगर जो जनरल एलिमेंट ए आई जे मानते हो तो इसमें जो आई प्लस जे होगा, आई प्लस जे, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, एन प्लस वन। ठीक, इनका यूज क्वेश्चंस में होगा, ठीक है, इसलिए ये एनालिसिस आपको अच्छे से करना चाहिए इस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक, अब देखिए ये तो था आपके पास प्रिंसिपल डायगनल। ठीक, अब इसके ऊपर भी तो एक इस प्रकार से आप डायगनल बना सकते हैं इन एलिमेंट्स का। ठीक, इनमें आपने देखा कि दोनों का सम कितना आ रहा है, थ्री फाइव सेवन। ठीक है, कहने का मीनिंग सम से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो अपर डायगनल, ठीक, इस वाले को कहा जाता है अपर डायगनल। ठीक, अपर प्रिंसिपल डायगनल कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगनल के एक ऊपर वाली रो है, एक ऊपर वाली लाइन ले रहे हो, इसको अपर प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि जो भी रो ले रहे हो कॉलम उससे एक ज़्यादा लेना है, जो भी रो ले रहे हो कॉलम उससे ज़्यादा है, रो थ्री तो कॉलम फोर। ठीक, इसी प्रकार से अगर रो आई लिया होगा तो कॉलम आई प्लस वन। ठीक, कहने का मीनिंग इसको कहा जाता है इस वाली लाइन को अपर प्रिंसिपल डायगनल। ठीक, इसको कहा जाता है अपर प्रिंसिपल डायगनल। जो जो चीज़ें आपको मेन लग रही हैं आप नोट करते रहें, देखो ये आ जाएगा अपर प्रिंसिपल डायगनल, अपर प्रिंसिपल डायगनल,
इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो एलिमेंट है वो ए आई आई प्लस वन के फॉर्म में है। ठीक, अगर रो आपके पास आई है तो कॉलम एक ज़्यादा आ रहा है आई प्लस वन। ठीक, अगर रो आई मानते हो तो कॉलम आई प्लस वन यानी कि एक ज़्यादा आ रहा है कॉलम। ठीक, उसी प्रकार से जो ये वाली लाइन जा रही है, ठीक, इसको आप अपर प्रिंसिपल डायगोनल लाइन कहते हो, अपर प्रिंसिपल। ठीक, दो बार अपर, एक बार अपर लगाया तो ये, दो बार अपर लगाया तो ये। ठीक, उसकी खासियत क्या है कि अगर रो नंबर आप आई सेलेक्ट करते हो तो जो कॉलम है वो आई प्लस टू हो रहा है। ठीक, इस जगह वन किया तो इस जगह टू ज़्यादा यानी कि थ्री, इस जगह था टू तो इस जगह टू ज़्यादा यानी कि फोर। अगर आप इसके जनरल एलिमेंट को ए सॉरी रो को अगर आई से डिनोट करते हो तो कॉलम आई प्लस टू आ जाएगा, यानी कि एक जनरल एलिमेंट इसका किस फॉर्म में बनेगा, ए आई आई प्लस टू। ठीक, उसको कहा जाता है अपर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, दो बार अपर आ जाएगा, इस वाले को कहा जाएगा अपर प्रिंसिपल, दो बार अपर लिखेंगे, अपर या ठीक अपर प्रिंसिपल डायगोनल है ना। इसके जनरल एलिमेंट को आप ए आई आई प्लस टू लिखोगे, ए आई आई प्लस टू। ठीक, इसी प्रकार जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आप, ठीक, इसको देखो डायगोनल के ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक, इस वाले एरिया में आप देख सकते हो कि ये जो कॉलम नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जितना ना आप इस डायगोनल से ऊपर की ओर जा रहे हो तो कॉलम बढ़ रहा है और रो घट रहा है। ठीक, यानी कि चलिए इसको फिर समझाते हैं, पहले नीचे की भी बात कर लेते हैं। ठीक, यह आता है लोअर प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इस वाली लाइन में आने वाले जो भी एलिमेंट हैं उनको लोअर प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। ठीक, इसकी खासियत ये है कि यहाँ रो ज़्यादा होता है कॉलम से। ठीक, इसके जस्ट नीचे लोग यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट बगल की जो डायगोनल है लोअर प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट को आप एक जनरल टर्म में कहना चाहो तो इसमें जो रो नंबर है कॉलम से एक ज़्यादा है। ठीक, अगर इसको आप आई मानते हो तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस वन, यानी कि इसका जो जनरल एलिमेंट है, ठीक, इसको आपने नोट किया होगा, पॉज करके फिर देखो, जो ये इसको कहा जाता है लोअर प्रिंसिपल डायगोनल, लोअर प्रिंसिपल डायगोनल, लोअर प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें जो जनरल एलिमेंट है किस फॉर्म में होगा, आप देख रहे हो कि रो नंबर ज़्यादा है एक किससे, कॉलम से। ठीक, ए आई प्लस वन आई के फॉर्म में होगा। ठीक, कॉलम रो से एक ज़्यादा है। ठीक, तो इस प्रकार का जो एलिमेंट से डायगोनल पास होता है उसको लोअर प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। ठीक, ये वाली लोगे तो लोअर प्रिंसिपल डायगोनल, दो बार लोअर लग जाएगा। ठीक, इस वाली लाइन को आप क्या कहोगे, लोअर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, लोअर प्रिंसिपल डायगोनल है ना। इसके एलिमेंट अब किस फॉर्म में है, दो ज़्यादा है रो दो ज़्यादा है तो ए आई प्लस टू आई के फॉर्म का एलिमेंट। ठीक, इस प्रकार से जितना बढ़ते जाओगे डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा। ठीक, देखो एक नाम इसका छूट गया, हमने इसको क्या कहा था, अपर प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को सुपर प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ठीक, उसी में लिख दो आप, जहाँ आपने अपर प्रिंसिपल डायगोनल लिखा था ना, इसको आपने अपर प्रिंसिपल लिखा था, इसी को सुपर डायगोनल भी कहा जाता है। ठीक, डायगोनल के जस्ट ऊपर है सुपर डायगोनल। ठीक, सुपर डायगोनल इसका भी नाम है। ठीक, इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। ठीक, तो अब एक चीज़ और बच जाती है कि कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया तो उसका रो नंबर ज़्यादा है कॉलम नंबर ज़्यादा है के हिसाब से आप बता सकते हो कि डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट है या डायगोनल के नीचे का एलिमेंट है। यानी कि अगर आपको कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स आपने ये बताना है कि डायगोनल पे कौन से एलिमेंट लाई करेंगे, डायगोनल के ऊपर कौन से एलिमेंट और डायगोनल के नीचे कौन से एलिमेंट लाई करेंगे। ठीक, मैंने आपको एक जनरल एलिमेंट दिया A55, बताइए ये डायगोनल पे लाई करेगा या डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे।
रो कॉलम सेम सेम है मींस डायगनल का एलिमेंट है, यानी इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं ए फोर फाइव कहूँ, ठीक, और आपसे कहूँ कि ये इस एरिया में रहेगा, इस एरिया में रहेगा या मिडिल में रहेगा, तो आप कहेंगे कि इसका रो नंबर कम है, कॉलम से रो कम है, तो रो कम कहाँ होता है, अपर में, तो इसकी पोजीशन कहीं ना कहीं इस लाइन के उस ओर आएगी। ठीक, क्योंकि इसका कॉलम नंबर ज़्यादा है, इस कॉलम आपने अभी भी जो भी उनकी खूबियाँ देखी थी कि कॉलम नंबर ज़्यादा इस ओर आ रहा है। ठीक, अगर कॉलम नंबर ज़्यादा आ रहा है किसी एलिमेंट का तो आप समझ जाना डायगनल के अपर की बात चल रही है। ठीक, इसी का रिवर्स अगर आपसे 95 की बात की जाए, ठीक, ये कहाँ पड़ेगा, किस रीजन में ये एलिमेंट लाई करेगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो कॉलम है रो से कम है, यानी कि रो ज़्यादा है ना, रो नंबर ज़्यादा है। तो अभी अभी आपने प्रॉपर्टीज़ में देखा होगा जब हम डायगनल की बात कर रहे थे तो यहाँ रो नंबर ज़्यादा आ रहा था, कॉलम कम। ठीक, यानी कि अगर रो ज़्यादा दे दिया है, कॉलम कम, तो इस एरिया में, अगर कॉलम ज़्यादा रो कम तो इस एरिया में पड़ेगा वो। ठीक, अगर दोनों इक्वल हैं तो मेन डायगनल में आए। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें आसान सी थी अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, हो सकता है ये एनालिसिस ना किया स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने, अदरवाइज और चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई बेसिक चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि डायगनल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, नॉन प्रिंसिपल डायगनल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जो सुपर डायगनल है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तब जाके स्क्वायर मैट्रिक्स का एनालिसिस पूरा होगा। ठीक, देखिए अगर आपको वन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे दीजिए, वन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें प्रिंसिपल डायगनल में जो एलिमेंट है वो कौन होगा, वन, फर्स्ट एलिमेंट से तो स्टार्ट होता है डायगनल। अब एक ही एलिमेंट है तो वो प्रिंसिपल डायगनल में जाएगा, यानी कि अगर प्रिंसिपल डायगनल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, इस साइन को नंबर ऑफ के लिए डिनोट किया जाता है, अक्सर मॉडर्न एल्जेब्रा में यूज किया जाएगा नंबर ऑफ, लेकिन शॉर्टकट में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, हैशटैग मिलेगा इसका, मीनिंग नंबर ऑफ होता है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जितना उसका ऑर्डर होता है उतने ही नंबर, जैसे इसका वन ऑर्डर है तो वन, अगर आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लो, स्क्वायर कुछ भी ले लो, 1 2 4 6 8 कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, तो इसमें देख सकते हो आप प्रिंसिपल लाइन में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2। इसी प्रकार अगर 3x3 की लोगे, 3, 4x4 की लेंगे तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, प्रिंसिपल लाइन। ठीक, प्रिंसिपल से ऊपर जैसे ही जाओगे एक कम होता जाएगा, देखो एक ऑर्डर एक था सुपर डायगनल में, उससे एक कम, n-1 कह सकते हो, 0 एलिमेंट, दो ऑर्डर था तो एक आया, यानी कि n-1 एक कम। ठीक, इसी प्रकार तीन लोगे तो 2 आएगा, n-1, यानी इस जगह पे ऑर्डर n-1, ऑर्डर से एक कम नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करेंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी जाओगे, देख सकते हो एक एलिमेंट है, दो ऑर्डर है तो एक, तीन है तो 2 आए होंगे, 4 ऑर्डर लोगे तो 3 आए होंगे, ऑर्डर से एक कम। कहने का मीनिंग प्रिंसिपल डायगनल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करेंगे कितने ऑर्डर के बराबर, यानी कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद जितना ऊपर या नीचे जाओगे एक एक घटता जाएगा, एक एक घटता जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये खास है आगे के जो क्वेश्चन होंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा, इसलिए देखिए कि हम एक एन ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके रेफरेंस में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देते हैं। ठीक, ये एन ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप जानते हो इसको डायगनल लाइन कहते हो। ठीक, डायगनल लाइन, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर के बराबर, यानी कि एन होंगे। अगर आप 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेते हो तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो 3 आएंगे। ठीक, एन ऑर्डर के ले रहे हो तो एन। अब इसके ऊपर नीचे जितना जाओगे एक एक घटाते रहेंगे आप।
ठीक। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन को आपने सुपर डायगोनल कहा था ना, या अपर प्रिंसिपल डायगोनल कहा था, सुपर डायगोनल या अपर प्रिंसिपल डायगोनल कहा था, ठीक। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एन माइनस वन, उसी प्रकार लोअर प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, लोअर प्रिंसिपल डायगोनल इसमें भी एलिमेंट आएंगे एन माइनस वन, फिर इससे ऊपर अपर अपर में जाओगे तो एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन तो ये था एन माइनस टू, लोअर लोअर में जाओगे यहाँ भी एन माइनस टू। ऐसे ही आप प्रोसेस को बढ़ा सकते हो, जब यहाँ फाइनल लास्ट में पहुँचोगे है ना, ऐसे अप टू सो ऑन, लास्ट में जो एलिमेंट मिलेगा आपको, एक ही तो एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना, कितना भी आप मैट्रिक्स ले दो लास्ट में एक ही एलिमेंट तो बचेगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करते रहेंगे आप, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते रहेंगे, लास्ट में एक ही एलिमेंट तो बचेगा, उसी प्रकार यहाँ भी लास्ट में एक ही बचेगा, यानी कि ये भी अप टू सो ऑन वन तक। टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट थे, देख सकते हो एन एलिमेंट यहाँ आ गए, एन एलिमेंट यहाँ आ गए, एन एन माइनस वन यहाँ आ गए, एन माइनस टू से लेकर वन तक, यानी अगर इनको ऐड करते हो आप एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर वन, ये तो क्या हो गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम हो गया कि नहीं, एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर वन तक ऐड करो, अगर इनको ऐड करते हो तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, आप जानते हो एन एन प्लस वन बाई टू होता है फॉर्म, ठीक, तो एन नंबर है एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक। उसी प्रकार से इसमें तो n शामिल था, ठीक, यहाँ देखो n माइनस वन एन माइनस टू वन तक है, n माइनस वन से लेकर वन तक है, इनको ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ के एलिमेंट्स, ठीक है ना, जितने ऊपर एलिमेंट आए उतने ही तो नीचे आएंगे, देख भी सकते हो n माइनस वन एन माइनस टू से लेकर वन तक था, यही n माइनस वन एन माइनस टू से लेकर वन तक था, इसमें सिर्फ कौन शामिल नहीं है, n शामिल नहीं है, ठीक। जैसे आप इनका सम करना चाहो तो अगर n नंबर्स होते, अगर ये भी शामिल होता तब तो इसका सम कितना होता, n n प्लस वन बाई टू, अभी ये मेन डायगोनल तो ऊपर शामिल हो गया था, अब नीचे नहीं होगा शामिल, ठीक है, n आप हटा देंगे इसमें से, n हटा देंगे, अब देखो दोनों को आप ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे कितने, n स्क्वायर, टोटल इसमें जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे, n स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को फिर से ऐड करो तो आपको n स्क्वायर मिल जाएगा, देखिए n n प्लस वन बाई टू प्लस यहाँ का देखिए n n प्लस वन बाई टू माइनस आपने n कर दें, ठीक है, ये हाफ हाफ तो फुल हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा फुल, यानी कि तो n n प्लस वन हो गया, ठीक, माइनस n करना है, मीनिंग n से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ये दोनों मर गए, आया कितना n स्क्वायर, देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे आपको इस प्रकार से, ठीक। तो मेन डायगोनल में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो ऑर्डर के बराबर होंगे, उससे ऊपर जितना भी स्टेप चलोगे उतना सब्ट्रैक्ट करते जाओगे और लास्ट में तो एक ही एलिमेंट बचेगा। उसी प्रकार नीचे जब मेन डायगोनल से प्रिंसिपल डायगोनल से जितने स्टेप नीचे आओगे उतने इन में से सब्ट्रैक्ट करते जाओगे और लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, ठीक। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेज, मैट्रिक्स का जो भी उसमें ऑपरेशंस यूज होती हैं, है ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, यानी कि बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर इसके एडवांस क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो जो आए हैं, ठीक। पहले हम अपनी थ्योरी क्लियर कर लें, ठीक, बेसिक अपना मजबूत कर लें, तब जाके CSIR नेट में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी ओर मूव करेंगे, ठीक। तो पढ़ाई करते रहें आप, ठीक, जो भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।